हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। रोहतक पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। दरअसल पुलिस ने पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 आरोपी अभी भी पुलिस के गिरफ्त से बाहर हैं। आरोपियों के कब्जे से एक बाइक और पिस्तौल भी बरामद की गई। दरअसल आरोपियों ने 20 फरवरी को रोहतक के भलौठ गांव में पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। फिलहाल पुलिस आगामी कार्रवाई में जुटी है। कि 20 फरवरी को हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन आई थी कि बालोट का जो पेट्रोल पंप है उस पर वारदात हुई है, और एक पीले रंग की अपाचे है जो कि उस पर 4-5 लड़के बैठे हैं और उन्होंने पेट्रोल पंप को लूट लिया। उस पर जो ना सीआईए, हमारी सीआईए 2 आजाद की टीम और मैं खुद और हमारे एसएचओ जो अंडर ट्रेनिंग है आईपीएस, वो भी वहां मौके पे गए थे। इनसे हथियार भी मिले हैं, मोटरसाइकिल है और एक गाड़ी है जो इन्होंने लूट रखी थी, ये बरामद हो चुकी है। हाँ बिल्कुल, ये पूछताछ पे पता लगेगा, इनका रिमांड लेंगे अभी 4-5 दिन का, इसके बाद पता लगेगा अभी इसमें और लोग हैं कैसे वारदात करते थे, तो आगे जो भी खुलासा होगा आपको बता देंगे।